विश्व मेडिटेशन डे, विश्व मानवता को यह आवश्यकता महसूस हुई कि केवल शिक्षा से काम दुनिया का चलने वाला नहीं, बल्कि शिक्षा को सही दिशा देने के लिए इंसान को अंतर जगत से ज्ञान उत्पन्न होना चाहिए। ध्यान का मकसद लोग समझ लेते हैं, ध्यान का उद्देश्य समझ लेते हैं कि शांति प्राप्त कर लेना, दुनिया से हमको कुछ लेना देना नहीं, कोई निरी वन में जाकर के ऋषि महात्मा बन जाना। लेकिन मित्रों, ध्यान एक ऐसी प्रक्रिया है जिसको लेक्चर के द्वारा समझाया नहीं जा सकता है। ध्यान क्या है? अपने ऊर्जा को एक लक्ष्य की ओर केंद्रित करना। जीवन में जो उच्च स्तरीय सफलता होता है, जिस सफलता, वो सफलता केवल आदमी के जीवन तक सीमित नहीं रह जाता है, केवल परिवार तक सीमित नहीं रह जाता है, बल्कि जब ध्यान के माध्यम से ऐसी ऊर्जा जनरेट होता है इंसान के अंदर कि वह अपना भला के साथ साथ पूरी विश्व मानवता का वो ड्राइवर बन जाता है। अपने तो पहुंचता ही है गांव से हजारीबाग, लेकिन अपने साथ साथ सैकड़ों लोगों को बस में बिठा कर ले आता है। ध्यान हमारे आंतरिक ज्ञान का जागरण करता है। कहते हैं जब सिद्धार्थ घर से 12 बजे रात निकल पड़ा ज्ञान की खोज में, और चलते चलते बोध गया पहुंच गए, और बोध गया में कहते हैं 20 वर्षों तक उन्हें लगातार मेडिटेशन किया, और तब अंतर जगत में उनके अंदर विचार क्रांति का जन्म हुआ। सिद्धार्थ के अंदर बुद्धत्व का जन्म हुआ, और बुद्धत्व का जन्म होने के बाद जो विश्व मानवता के लिए करना चाहिए था उसके लिए बुद्ध फिर ध्यान में नहीं बैठे, फिर एक जगह सीमित नहीं रहे, बल्कि देश विदेश का उन्होंने, पूरे देश भर में उन्हें अलग जगाया, और हजारों कहते हैं भिक्षु और भिक्षुनी अनुयायियों को तैयार किया, और ध्यान के माध्यम से एक ऐसी क्रांति को जन्म दिया कि एशिया महादेश तक मानवता को समझ में आया बुद्धम अर्थात असली ज्ञान क्या है। अंतर जगत से जब ज्ञान उत्पन्न होता है तो उसकी रास्ता को रोकने वाला कोई शक्ति नहीं रह जाती है, वह फिजिक्स केमिस्ट्री बायो से नहीं मिलने वाला, वह ऊर्जा बीज रूप में मनुष्य के जीवन में स्वयं समाया हुआ है। यह सब प्रकृति का कोई घटक नहीं है जिसमें वह दिव्य क्षमता नहीं है। एक राई देखते हैं कितना छोटा होता, महीन दाना होता है। एक बरगद के बीज को देखते हैं कितना सूक्ष्म रूप होता है, लेकिन उसी को उपयुक्त खाद पानी मिल जाए तो विशाल वृक्ष के रूप में, कोलकाता का देखते ना ताड़ वृक्ष, उसका असली जड़ कहां पता नहीं चलता, कई एकड़ में फैल गया, लेकिन उसका शुरुआती दौर बीज कितना रहा होगा, छोटा सा। तो इस प्रकृति में चाहे वह उड़ने वाली चिड़िया हो, चाहे नभचर हो, चाहे जलचर हो, चाहे थलचर हो, ये तीन भागों में बांटा गया। बीज रूप में प्रकृति में कोई ऐसा नहीं है कि ईश्वर के पास से जीने खाने पर शक्ति लेकर नहीं आया। एक पागल आदमी को भी देखेंगे इतनी बुद्धि पर्याप्त मात्रा में है, किसी पागल को देखते हैं कि आप कुआं में डूब जाओ, कोई पागल आदमी था तो कुएं में डूबकर आत्महत्या किया, गाड़ी के सामने एक्सीडेंट होकर के जानबूझकर अपना जान गंवाया। वो इतनी क्षमता, सबको भूख लगती है, सबको भोजन चाहिए, लेकिन इस संसार में कहते हैं रिटर्न का तो कंफर्म टिकट सबका बना हुआ। कोई ऐसा, कोई ऋषि का नाम ला लीजिए, कोई ऐसे साइंटिस्ट का नाम बता दीजिए, कोई ऐसे सेलिब्रिटी, ऐसे खिलाड़ी, ऐसे फिल्मी कलाकार, ऐसे हीरो जो जन्म लिया है और जिनकी मृत्यु न हुई, इसलिए रिटर्निंग तो कंफर्म है, इसलिए इसको वेद की भाषा में मृत्यु लोक भी कहते हैं। बी फॉर बर्थ और बी फॉर डेथ, बी और डी के बीच में सी है, सी अर्थात चॉइस। हमारा असली मकसद क्या है, व्हाट एम आई। गुरुदेव का पहली पुस्तक लिखा क्या इन्होंने लिखा, जब कलम उठाया तो पहली पुस्तक में लिखा मैं कौन हूं, मैं सुरेश हूं क्या, ये कपड़ा किनका है, ये टी शर्ट किनका है, ये हाथ किसका है, हम हाथ है नहीं, हाथ हमारा है, ये आंख हम है नहीं, आंख हमारा है, ये पैर हम है नहीं, पैर हमारा है, तो भाई हम कौन है, व्हाट एम आई। तो जब हम अपनी बीज रूप जो क्षमता उनको ईश्वर ने दिया है इस सृष्टि में,
उस पर्सनालिटी को डेवलप करने का जो महाविज्ञान था। इसलिए विश्व मानवता ने देखा शिक्षा का, टेक्नोलॉजी का, कंप्यूटर क्रांति हो गई, शिक्षा की क्रांति हो गई, हर क्षेत्र में मनुष्य की चतुर्मुखी विकास हो गया, चौमुखी विकास हो गया। हमारे आज से 20 साल पहले वाले दादा आएंगे जब लौट करके जिनकी मृत्यु हो गई है तो अपने गांव को पहचान नहीं सकेंगे, अपने घर को पहचान नहीं सकेंगे, पूरा नाक नक्शा बदल गया उनको। लेकिन जो आंतरिक विकास मनुष्य का होना चाहिए था, आज विज्ञान केवल बाहरी विकास कर दिया, बाहर से हम लोगों को, हर युवा को फिट फाट बना दिया, लेकिन अंदर से जब हम ध्यान नहीं कर रहे हैं तो हमारी हालत वही है, मोकामा घाट वाली, अंदर से ढीला पड़ा। पढ़ने बैठते हैं तो जम करके 4 घंटा तक कंटिन्यू कंस्टेंट नहीं हो पा रहे। कहते हैं लोग कि ध्यान करने से क्या होगा, आईपीएल देखने से क्या होगा, बताइए क्या आपका चयन हो जाएगा, पूरा भारतीय क्रिकेट में सचिन को पीछे कर देंगे क्या, मेडिटेशन क्लास आने में क्या फायदा होगा, तो क्या जो फालतू वीडियो देखते हैं उससे क्या हो रहा है आपके जीवन, आंतरिक शक्ति का जागरण नहीं हो पा रहा है। इसलिए हमारे सामने छोटी सी चुनौती आती है, छोटी बड़ी समस्याएं आती है, हम परीक्षा फेल हो गए, हम किसी एग्जाम में असफल हो गए, हम किसी के प्रेम में असफल हो गए, तब हमारे सामने क्या है, एक पहलवान आदमी का कमजोर निशानी क्या है आज के समय, सुसाइड, आत्महत्या। आज हजारीबाग में ये कहते हैं सुसाइड जोन बनते चला जा रहा है, कोई ऐसे 6 महीना में कोई ऐसी घटना नहीं देखने को मिल रहा है जब इस हजारीबाग में कोई लड़का आत्महत्या नहीं कर रहा हो, कोई लड़की आत्महत्या नहीं कर रही हो। ये क्या है, क्योंकि जो बीज रूप में हमारी शक्ति है, जो ऊर्जा का जागरण नहीं हो पा रहा है, और इसलिए सामने एक छोटा सा चुनौती आता है और चुनौती के सामने हम सरेंडर कर जाते हैं, अपनी जीवन लीला समाप्त कर लेते हैं। हमारे अंदर यह है कि भाई शरीर है तब तक हम जिंदा है, लेकिन शरीर तो एकमात्र हमारा माध्यम है, असली शक्ति तो इस प्राण में समाएगा। इसलिए गायत्री मंत्र क्या कहता है, हे अभी बोले हे विश्व के स्वामी, हे महाप्राण, आप महाप्राण के पुंज हैं, आपके पास प्रचुर मात्रा में इतना प्राण का भंडार आपके पास है, कितना कि एक साधारण नरेंद्र को भी आप विश्व मानवता के विश्व धर्म सम्मेलन में पूरे पढ़े लिखे लोगों के सामने जो धर्म सन्यासी को आप खड़ा कर देते हैं, इतनी ऊर्जा भर देते हैं कि आज के युवा जैसा वहां पढ़ा लिखा शिकागो में नहीं था क्या, एक कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी के, कैलिफोर्निया के एक से एक शिक्षाविद, प्रोफेसर, वैज्ञानिक, साइंटिस्ट, धर्मगुरु, उलेमा, इन सभी लोगों के धर्म सभा में जहां विद्वानों की फौज खड़ी थी, उस विद्वानी के फौज में योद्धा सन्यासी उसी तरह खड़ा हो जाता है जैसे कहते 10 कला के ज्ञान महापंडित रावण के सामने अंगद अनुमान खड़ा होता है और चुनौती देता है कि भाई आप गलत रास्ते पर मत चलो, हट्टास करता है, बंदर के पूछ में आग लगा दो। लेकिन पूछ क्या, पूछ के माध्यम से आज भाई बहनों, आज लोग कह रहे हैं यार कहां जा रहे हो, मेडिटेशन क्लास में जा रहे हो, फंस गए हो सुरेश जी के चक्कर में, गायत्री बार वालों के चक्कर में, अंदर से निकले और अपने अंदर जो आत्मशक्ति का बीज, जो विशाल भंडार छिपा हुआ है, जो भी आप अपने आप को दीनहीन समझ रहे हैं, कायर समझ रहे हैं, दुखी समझ रहे हैं, अपने आप को कमजोर समझ रहे हैं, अपने आप को निर्बल समझ रहे हैं, आपके अंदर जो हीन मनोवृत्ति ने स्थान बना लिया है कि हम कुछ नहीं कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, केवल हम लोग आई लव यू कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, प्रेम ब्रह्मपत्र मैसेज कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, रात के 1 बजे तक जगेंगे, आईपीएल देखेंगे और 2 बजे रात में भोजन करेंगे, उठेंगे कब, 8 बजे देंगे। प्रकृति में देख लीजिए जो प्राकृतिक नियमों का अनुसरण करता है, कोई ऐसा पक्षी का नाम बता दीजिए, कोई ऐसी चिड़िया का नाम बता दीजिए, कोई ऐसा जानवर का नाम बता दीजिए जो ब्रह्म मुहूर्त में नाचता, ब्राह्मी बेला का उपयोग न करता। ब्राह्मी बेला कब करते हैं, सूर्योदय से 1.5 घंटा पहले, 2 घंटा 1.5 घंटा पहले के समय से सूर्योदय तक का जो समय है उसको ब्राह्मी बेला करते हैं। इसमें प्रकृति पूरी शांत होती है, धूलकण शीत के कारण चंद्रमा की सतलता की जो वर्षा होती है अमृत के, सारे धूलकण बैठ जाते हैं, पर्यावरण में प्रचुर मात्रा में ऑक्सीजन का उत्पादन होता है, उसमें यदि वॉक करते हैं, उसमें डीप ध्यान करते हैं, उसमें गहरी सांस लेते हैं, उसमें हम कठिन पाठ को याद करते हैं,
उस समय का सदुपयोग करते हैं तो आश्चर्यजनक रूप से हम अपनी पर्सनालिटी को डेवलप कर सकते हैं। यह ध्यान और गायत्री मंत्र की उपासना। आज क्या है, हमारे देश में दुर्गा पूजा था, हमारे देश में रामनवमी का पर्व है, हमारे देश में होली का पर्व, इसकी भी वैज्ञानिकता है, इसलिए नहीं बनाई गई, पर्वों का एक महत्व है। लेकिन आज संकट जो है वो पूरी विश्व मानवता के सामने अक्षय प्रश्न बनकर खड़ा है। आज जो भी संकट आ रहा है वह किसी एक कौम के लिए, एक मजहब के लिए नहीं आ रहा है, बल्कि पूरी विश्व मानवता के लिए आ रहा है। अगर नशा का राक्षस आज हमारे बुद्धि में आकर के घुल गया है तो हर आदमी को कहते हैं कुंभकर्ण अपने रास्ते पर मरने के बाद भी ले खसीट के ले जा रहा है। इस देश का अनपढ़ आदमी हिंदी पिरा पढ़ा लिखा आदमी अंग्रेजी पूरा घी दूध की नदियों में डुबकी लगाने के लिए कोई तैयार नहीं, अर्थात तुम्हारे मस्तिष्क में कुंभकर्ण ने स्थान बना लिया, उस रास्ते पर हम लोग चल रहे हैं। तो इसलिए आज विश्व मानवता ने एक संयुक्त राष्ट्र संघ का गठन किया कि विश्व की जो समस्या है इसमें हम लोग सुलझाएंगे। और तो भारत का जो पर्व हो तो वैज्ञानिक है ही, कोई ऐसा देश नहीं है जहां हमारी भारतीय संस्कृति न पहुंची हो, जहां हमारे देश की कोई पहचान चिन्ह न हो। अगस्त का वो आर्टिक टिक हो, चाहे वो निपान का जिसको कहते थे वेद में, जो अभी जापान हमारे सामने खड़ा है, वो अगस्त ऋषि का, वो ऋषियों का रिसर्च सेंटर रसिया, ऋषियों के नाम पर क्या बना रसिया, निपोन के मानव के आधार पर जापान, जो भी हमारे स्थान, अफगान के नाम पर अफगानिस्तान, गांधार वही कांधार है सो गांधार जहां गांधारी से आई थी वो अभी कांधार कहा जाता है, श्रीलंका हमारा भारत का हिस्सा है, काष्ठों का शहर काठमांडू, नेपाल, ये सभी भारत के अंग थे। और जो गरुड़ की उपासना करने वाले लोग उसी को अभी इंडोनेशिया कहा जाता है। और वह गाता है क्या, हम सूर्य पुत्र हैं हम भाग्यशाली हैं, हम सूर्य पुत्र हैं हम भाग्यशाली हैं। लेकिन हिंदुस्तान के लोग आज सूर्य की विशाल ऊर्जा को हम लोग भूल गए, सबको प्रकाश आई, अंधेरा में जा रहे हो और रोशनी साथ में ना हो तो रास्ता बड़ा कठिन हो जाएगा, कहां सर्प मिलेगा, कहां बिच्छू मिलेगी, कहां कांटा गड़ेंगे, कहां क्या होगा, इसकी कोई गारंटी नहीं। लेकिन यदि हाथ में टॉर्च होता तो बड़े मजे से हम अपने रास्ता को देख सकते हैं। ध्यान हमारा वह टॉर्च की भांति दिव्य दृष्टि है जो दूर तक दिखाता है, जो हमारे लिए प्रकाश उत्पन्न करता है। इसलिए युवा साथियों, ये मेडिटेशन क्लास आज, इसलिए आज अभी ऐसे पर्व बनाए जा रहे हैं जो पूरी विश्व मानव, वह पूरा भारतीय संस्कृति का सूत्र है। ध्यान किसने किया, हमारे यहां ध्यान बुद्ध ने किया, ध्यान के विज्ञान को पूरे विश्व तक को पहुंचाया भगवान बुद्ध ने, पहुंचा बुद्धम सर्वं गच्छामि, ये भारत का हिस्सा था। योग किनके, योग के जो वैज्ञानिक, क्या नाम है उनका, पतंजलि, वेद में महर्षि पतंजलि ने रिसर्च किया और आज 21 जून को क्या बनाया जाता है, इंटरनेशनल योगा डे, अंतरराष्ट्रीय, सब विश्व ने किया स्वीकार, योगा है बेहतर उपचार, करे योग रहे निरोग, ये पूरी विश्व मानवता का पर्व बन रहा है, भारतीय संस्कृति का सूत्र। लेकिन पूरा विश्व भारतीय संस्कृति के बिना बेचैन हो गया, उनके तनाव कम नहीं हो रहे, उनके स्ट्रेस कम नहीं हो रहे, उनका दिमाग नहीं काम कर रहा। आए दिन अमेरिका में हर आदमी का रिवॉल्वर का वहां लाइसेंस होता है, बियर बार में गया, होटल में गया, अगर उसका बुद्धि खराब हो गया तो एक साथ 4-5 आदमी को गोली मारा और अपने भी मार लिया, इतना स्ट्रेस और तनाव बन रहा है। इसलिए हर चीज का तो आप कंट्रोल कर सकते हैं, दवाई है, लेकिन स्ट्रेस यदि बढ़ जाता है, आपका तनाव बढ़ जाता है, आपके मस्तिष्क में दुर्बुद्धि बढ़ जाती है, कोई कहे मन का रहता हूं कि चापा कल में कूद के जान दे दे, भाई आपके मन को कौन रोक सकेगा, ऐसी कोई मेडिसिन है, बहुत सारे लोग चापा कल में कूद के जान दे रहे भाई। वो एबिलिटी जो ध्यान को आकर्षित करता है, हजारों प्रेम पत्र गया किनके पास, भगत सिंह के पास, आई लव यू, हमसे विवाह करो, बोला हम, कितना उनकी स्पिरिचुअलिटी थी, कितना उनका एनर्जी लेवल ऊंचा था, तो उन्होंने बोला मैं भारत माता की भक्ति कर रहा हूं, भारत की आजादी ही हमारा एक लक्ष्य है। और भगत सिंह को कोई भी प्रेम पत्र, कोई भी लोग दिखा नहीं सके, हम तो हजारीबाग आए थे बस्ता लेकर, हम SSC निकालेंगे, रेलवे निकालेंगे, बैंकिंग निकालेंगे, नौकरी करेंगे, लेकिन नौकरी मिली ना कि मिली पता नहीं,
हजारों छोकरी के पास हमारा प्रेम पत्र जा रहा है, कोई हमको पसंद नहीं कर रहा है, नालायक लोगों को कौन पसंद करेगा? भाई ये दुनिया, ये प्रकृति उसी को पसंद करती है जिसके पास, जिसका स्वास्थ्य अच्छा होगा, जिनकी बुद्धि अच्छी होगी, जिनका एबिलिटी होगा, जो आदमी स्वावलंबी होगा, जो कमाल होगा। ना हमारे पास ज्ञान, ना हमारे पास विद्या, ना हमारे पास एबिलिटी, ना हमारे पास नौकरी, तो बेकार लोगों को प्रकृति कौन पसंद करे? वैसे भी तो कहते 1000 पर 600-650 लड़कियां आ रही, लिंगानुपात का डिफरेंट हो रहा है, तब नौकरी की तरह शादी भी आने वाली दिनों में उन्हीं की होने वाली है। कौन? जो अपने आप को अंदर से फिट बनाएगा, जो अपने आप को उपयोगी बनाएगा। अगर ध्यान नहीं करेंगे तो जितना प्रॉब्लम देख रहे हैं, ये प्रॉब्लम का मेडिसिन ना तो एम्स बना पाया, ना वो कहते हैं कैलिफोर्निया का रिसर्च सेंटर इस मेडिसिन को बना पाया। और इसलिए पूरी विश्व मानवता ने योग की तरीके से आज इंटरनेशनल मेडिटेशन डे को घोषित किया कि आप सभी लोगों को अगर बुद्धत्व प्राप्त करना है, बुद्धम शरणम गच्छामि, सही ज्ञान यदि जीवन में प्राप्त करना है तो ध्यान करना पड़ेगा, और ध्यान करेंगे तो अंतर जगत की शक्तियों का जागरण होगा, जनरेट होगा, और अंतर जगत में विचार क्रांति का जन्म होगा। और विचार क्रांति जब हमारे अंदर से उत्पन्न होगी तब हम साधारण नहीं रहेंगे, हम विवेकानंद की तरह साधारण होंगे। जब ध्यान हमारे अंतर जगत में उत्पन्न होगा, ऊर्जा जनरेट होगी, तो हम साधारण अखबार बेचने वाले से कलाम के रूप में प्रगत होंगे, रामगोला से गोस्वामी तुलसीदास ने वासी वर्ष की अवस्था में बन जाएंगे, 118 वर्ष में तैलंग स्वामी बन जाएंगे, नागार्जुन बनकर समाधि की यात्रा पर निकल पड़ेंगे, महर्षि अरबिंदो के रूप में परिणत हो जाएंगे। हमारे पास हजारों उदाहरण है। इसलिए गायत्री परिवार यूथ ग्रुप के माध्यम से जो हम लोग एक अभियान चला रहे हैं कि भाई न इससे आपकी पढ़ाई बेकार होने वाली है, न इससे आपका करियर खराब होने वाला है, न इससे आप पक्ष से विचलित होने वाले हैं, बल्कि सप्ताह में एक दिन अपने आप को रिचार्ज करें। मानसिक शक्ति की जरूरत है, और मानसिक शक्ति केवल ध्यान से ही प्राप्त हो सकता है। और इसलिए आप लोग से ये फिर एक बार विनम्र अपील होगा, निवेदन होगा कि आप पढ़ाई को 10 घंटा के बदले 9 घंटा करें, लेकिन 1 घंटा आप ध्यान करें। 1 घंटा यदि नहीं मिलता है समय, तो तुलसीदास जी ने कहा एक घड़ी आधो घड़ी, आधो में पुण्याद तुलसी संगत हरि का कोटि कटे अपराध। अगर समय तो एक घड़ी मतलब 1 घंटा 20-25 घंटा, अगर नहीं है तो उसका आधा 40 मिनट, अगर उतना भी नहीं समय मिलता है तो 40 मिनट का अर्थात 25 घंटा का चौथाई लगभग 20-25 मिनट, इतना आपको एकाग्र होकर कंस्टेंट बनाना होगा। और इस पथ पर यदि हम चल सके मित्र, यहाँ के नियमित रूटीन को फॉलो कर सके, तो निश्चित रूप से हमारे जीवन में एक ऐसी क्रांति का उत्पन्न होगा, एक ऐसे क्रांति के पथ पर अग्रसर होगा कि हमारे लिए जब ध्यान के क्रांति के द्वारा पूरे विश्व व्यवस्था में आमूलचूल परिवर्तन बुद्ध कर सकते हैं। भगत सिंह जेल की कोठरी में ध्यान के माध्यम से अंग्रेजों को चूल हिला सकते हैं। विवेकानंद ध्यान के माध्यम से शिकागो के विश्व धर्म सम्मेलन में पूरे वर्ल्ड के पढ़े लिखे लोगों को भारतीय दर्शन के सामने निरुत्तर बना सकते हैं, और कह सकते हैं कि भारतीय दर्शन ही आने वाले दिनों पूरी विश्व मानवता को बचाएगा। तो क्या हम एक छोटा सा नौकरी नहीं ले सकते, SSC में सफल नहीं हो सकते? लेकिन दृढ़ विश्वास, आपको दृढ़ विश्वास करना पड़ेगा, और बिना किसी के बहकावे में केकड़ा वाले मित्रों से सावधान रह करके, जो 8-10 साल से ना रह जाने बात कुछ नहीं हुआ है, लेकिन बोला भाई हमारे सीनियर भैया नहीं जा रहे तो हम कैसे जाएं? सीनियर भैया तो लॉज में मौज उड़ा रहे हैं, लॉज के मालिक के साथ 2 पैग ले भी ले रहे हैं। इसलिए मौज के लिए नहीं आए हैं, यहां साधना के लिए आए हैं। ये 3-4 साल का जो वक्त है, 5 साल का जो वक्त है, उसका सदुपयोग करिए, और यहीं से आपको मिलने वाला है, और किसी भी इंस्टीट्यूट से नहीं मिलेगा। हर दिन आप इंस्टीट्यूट में जाइए, लेकिन स्पिरिचुअल इंस्टीट्यूट में संडे के दिन आप आइए। इसी शुभावना के साथ इंटरनेशनल मेडिटेशन डे के शुभ अवसर पर प्रांतीय युवा प्रकोष्ठ मोटिवेशनल क्लासेस हजारीबाग की ओर से बहुत बहुत बधाई, हार्दिक शुभकामनाएं और शांति।